नए चेहरों को अब पद दिए जाए तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आप भी एक नए चेहरे हो नौजवानों, और नौजवानों को एक पद दिए जा रहे, इससे सीधा सीधा पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी की क्या सोच है, युवाओं के प्रति क्या सोच है। अभी आपने खुद कहा ना कि नए नए चेहरों को, तो नए चेहरों के साथ साथ आपको पता होगा कि नए चेहरों के साथ एज फैक्टर भी अगर बात करेंगे तो एज फैक्टर भी डिसाइड कर दी गई है कि कितनी एज में क्या होना चाहिए। तो इस इतनी पॉजिटिव अगर सोच, तो हम जैसे युवाओं को अगर मौका, मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिला फिर उसके बाद नई नई अगर एज फैक्टर के हिसाब से टीम में जो आ रहे हैं नए नए लोग, तो इससे पता चलता है भविष्य की भाजपा पे उनकी ये प्रिपरेशन है और इसी प्रिपरेशन से तैयारी है आगे की। तो ये इतनी इतनी एज फैक्टर के हिसाब से ये आगे हमें रखना है आगे। और रहे एनसीडी के इलेक्शन, तो एनसीडी के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इतिहास रचती आई है पीछे पिछले 15 सालों में, और फिर दोबारा से आप देखेंगे इतिहास ही रचेंगे दिल्ली अच्छा से। सर, जैसे हमने एनसीडी की बात की, आपने बोला कि एनसीडी अगली बार भी फुल बहुमत में आएगी दिल्ली के अंदर, मगर अभी जैसे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा एनसीडी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई को लेकर जो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया, आप देखिए कितने महीनों से सैलरियों की प्रॉब्लम, जब फंड दिल्ली गवर्नमेंट किसी भी तरीके से रिलीज नहीं कर रही है एनसीडी को फंड, तो अगर वो इस प्रकार से जो परेशान कर रही है, और इनका काम क्या है, प्रोटेस्ट करना, और ऐसे काम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं जो काम कुछ होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं। और ये सफाई की बात कर रहे हैं, तो सफाई में एनसीडी अपना पूरा अच्छे से रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे सफाई हो रही है वहाँ सफाई हो रही है। अभी आप बारिश की बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर जल भराव किस प्रकार से हुआ आपने देखा होगा। नहीं जीत पाए? उसके बाद अपने क्षेत्र में आपने अब तक क्या क्या कार्य किए, किस तरह लोगों की हेल्प की? देखिए सबसे पहले तो संगठन का मैं धन्यवाद दूंगा कि जो मुझे मौका दिया और अवसर मिला मुझे इलेक्शन लड़ने का पटेल नगर विधानसभा से। ये आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर एक हॉट सीट मानी जाती है, और मैंने काफ़ी अच्छा वोट भी लिया यहाँ से, और युवाओं का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला पटेल नगर विधानसभा में। अगर आप देखेंगे तो वोट का भी जो है प्रतिशत काफ़ी बड़ा है पहले के मुकाबले में, और किसी कारणवश जो हार रही मगर मैं उसे हार नहीं मानता हूँ, क्योंकि करीब 43,000 वोट जो मुझे मिला है, मैं उन वोटर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जिन्होंने नहीं दिया उनके कोशिश करूंगा कि अगली बार वो उनके दिलों में मैं जा सकूं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मेरा ध्यान रखें। अच्छा सर, हम बात करें, जैसे चुनाव हो चुका है, अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के, जी, मगर उसके बाद भी जैसे हमने देखा आप अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं, कोरोना महामारी चल रही वो तो पूरे देश में क्या पूरी उसमें चल रही, तो उसमें आपने कैसे सहयोग किया अपने क्षेत्र में? देखिए जो पूरे विश्व संकट है, हिंदुस्तान के ऊपर भी जो संकट इस टाइम पे है कोरोना के अंदर, जब वो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर निरंतर राशन वितरण का काम किया है। जो मैंने 5 किलो दाल, 5 किलो चावल और 5 किलो आटा, ये तीनों चीज़ मेरी कोशिश रही, हजारों लोगों को मैंने वितरण, और डेली का सुबह से मेरा एक सिस्टम रहता था कि मेरे बाहर मेन रोड पर एक मेरी लोकेशन है, उस लोकेशन पर रोज़ का मुझे 500-600 लोगों को मुझे राशन बांटना, और ये मैंने निरंतर 3 महीने तक इस कार्य को मैंने चलाया, और खुद स्वयं मैंने सैनिटाइजिंग करी और जाकर एरियो में काफ़ी पूरा पटेल नगर विधानसभा में जगह जगह जाकर खुद सैनिटाइज भी मैंने किया, क्योंकि ये समय किसी से आप देखिएगा किसी पूछ कर नहीं, और इस तरीके का ऐसा समय ये आया कि हम सबको इस वक्त में निकल के बाहर आना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निष्ठा अपनी ईमानदारी से उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा पूरे देश में लिया, और पूरे देश के अंदर आप देखेंगे सिर्फ बीजेपी के मुकाबले कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता भाग नहीं लिया, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया इस कोरोना काल के अंदर। अच्छा सर, मैं बात करूंगा दिल्ली सरकार की लेकर, जैसे कि दिल्ली सरकार कोरोना महामारी आई उसमें बार बार केंद्र सरकार पे आरोप लगाए थे, मगर जैसे तैसे करके अब शायद वो कुछ मिलकर काम करें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए केजरीवाल जी का तो आपको पता ही है कि वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी जुबान पे कोई लगाम तो है नहीं, जिस बातों को कह के वो सरकार में आते हैं उन बातों को और उन्हीं वादों को वो भूल जाते हैं। और पिछले दौर की बात करें तो सरकार के अंदर अभी भी अगर वो दोबारा से आए तो सरकार में आने का कारण क्या रहा, उन्होंने 3 महीने जो फ्री पानी बिजली चलाया, और आज देखिएगा घर घर में लोगों के बिल देखिएगा।